तो भाई ये रहने वाला है इसका नेगेटिव, इसके अंदर स्टैंड हटाएंगे जब ये ऑन होगी। मतलब रहता ही है भाई, जितने पैसे लगाओगे उतनी अच्छी चीजें मिलेंगी। तो भाई वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, एक्टिवा 125 खड़ी हुई है, तो इसका पूरा रिव्यू प्लस पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ, और कितने की पड़ी, प्राइस रेंज, माइलेज और रिस्पांस कैसा है भाई, और सारी चीजें ए टू जेड बात करेंगे वीडियो के अंदर। वीडियो पूरी देखना, और इससे जो पहले 6G हमने कवर करी थी वो देख लेना, अगर जैसे जिसको बजट में चाहिए तो वो 6G एक्टिवा 6G वाली वीडियो देख लेना। ये उससे 10 या 12 हज़ार रुपये महंगी है, बट भाई ये वर्थ इट भी है उससे अगर किसी को अपग्रेड करना है तो इसके बारे में पूरी स्पेसिफिकेशन वगैरह करते हैं इसको फ्रंट से स्टार्ट एक बार। तो फ्रंट में भाई जैसे स्कूटी के जो फेस ये आता है इस तरीके से भाई, जो नॉर्मल जो 6G 5G 7G आती है उससे भाई इसका फेस थोड़ा चेंज है, थोड़ा एग्रेसिव लुक में दे रखा है, इस तरीके से अपना फेस आता है। और इसके अंदर क्या है, अपग्रेडेड फ्यूचर में भाई व्हाइट लाइट आती है इसके अंदर, हेलोजन नहीं आती इस वाले में। प्लस इसमें एक चीज़ और अच्छी हो जाती है, इस मॉडल के अंदर आती है भाई DRL, जो 125 वाला वेरियंट है उसके अंदर DRL आती है। और DRL से भाई जैसे रात में आएगी आगे से जैसे कुछ भी चीज़ आ रही है तो अलग से ना चमक मारती है और अच्छी लगती है भाई, मतलब एक अपग्रेडेड फीचर सा लगता है रहने वाली है। नंबर प्लेट भाई वही जो पुराने टाइम से लगी आ रही है। बाकी नीचे आ जाते हैं थोड़ा, तो इसके अंदर एक अपग्रेडेड फीचर ये है भाई, इसके अंदर आने वाली है अपनी डिस्क, प्लस अपने अलॉय व्हील्स आने वाले ब्लैक कलर में। ये देखो भाई इस तरीके से रहने वाले हैं पूरी लुक। थोड़ा आ जाते हैं मीटर के थ्रू, तो इसके अंदर जैसे जो नॉर्मल है भाई उससे तो अच्छा मीटर है, प्लस इसके अंदर ना सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है अपना, देख लो भाई ये ट्रिप है ना, ये ट्रिप आ गई, ये कितने किलोमीटर चलेगी और ये एवरेज अभी जो शो कर रही है इसके अंदर, मतलब ये स्पीडोमीटर भाई पूरा डिजिटल है एक तरीके से, और ये आता भी एक्सपेंसिव है, अगर किसी ख़राब हो जाए तो वो भी देख लेना भाई। और सारी चीज़ें इसके अंदर, टाइमिंग वगैरह और फ्यूल का पूरा डिजिटल है इसके अंदर, वैसा नहीं है एनालॉग वाला सिस्टम। बाकी ये स्पीड का जो ऊपर का है वो एनालॉग रहने वाला है अपना, और साथ में अपना आइडल स्टॉप स्टार्ट स्टॉप बटन। अच्छा, तो इसका एक रिस्पांस दिखाओ भाई कैसे ऑन होती है, कैसे क्या है भाई, अभी मतलब अभी चल के आई है। हाँ। और जैसे 3 सेकंड के लिए अगर इसको रोक दोगे तो ये स्टार्ट होगी भाई, अपना बंद हो जाएगी, ये 3 सेकंड बाद दोबारा बंद हो गई दोबारा। तो भाई ये इसका है फ्यूचर, जो आइडल स्टॉप फ्यूचर है, जो फ्यूल सेविंग भी है प्लस अपना पॉल्यूशन सेविंग। तो भाई साइड में आ जाते हैं, राइट साइड में, तो ये इसी से स्टार्ट हो जाती है, इस बटन दबा के अपना ब्रेक व्रेक दबा के तो स्टार्ट हो जाती है। और लेफ्ट साइड में वही है भाई, पासिंग के इंडिकेटर के हॉर्न अपना देख लो इस तरीके से, वही नॉर्मल रहने वाला है। बाकी एक्टिवा का जो पहचान है भाई शुरू से ही आ रखा है, लॉक जो आ रहा है लॉक है तो इसके अंदर आ रखा है, शुरू से आ रहा है भाई, पता नहीं कितने साल हो गए, 10-15 साल हो गए जब से आ रहा है। बाकी फ्यूल का अपना यहाँ से ओपन हो जाएगा ऊपर करके, और अपना सीट का एक और ओपन करके भी दिखा देंगे। प्लस लेफ्ट में भाई स्टोरेज आ जाती है, और यहाँ पे एक हुक आ जाता है भाई, जो नॉर्मल वाली आती है उसके अंदर हुक थोड़ा अजीब सा आता है, इसमें थोड़ा सही है। बाकी ये स्टोरेज भी मिल जाती है यहाँ पे अपने को, पे भी एक हुक आता है जो भाई बाहर भी निकल जाता है, तो ये प्रैक्टिकल रहते हैं भाई स्कूटी में, स्कूटी बंदा लेता ही इसलिए कि रेगुलर में भाई सामान सामून लाए और स्पेस के लिए, तो भाई ये चीज़ अच्छी है। और 3-3 स्टोरेज स्पेस दे रखा है फ्रंट में, बाकी सीट के नीचे तो आता ही है अपना। बाकी साइड से भाई अपनी इस तरीके से पूरी रहने वाली है, ये चेक कर सकते हो पूरी लुक। और भाई अलॉय व्हील्स से भाई अब एक ना मतलब ऊंची ऊंची भी है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस नॉर्मल वाली से ऊपर है, क्योंकि अलॉय व्हील्स और टायर बड़े हैं भाई इसके अंदर। और साइड से अपना भाई सिल्वर उसमें रहने वाले, क्रोम या सिल्वर देख लो, क्रोम में रहता है सिल्वर ही भाई, क्रोम में रहने वाला है अपना एक्टिवा का, पूरी बैजिंग इसके अंदर मिल जाती है। तो भाई ये साइड में जितनी भी आप प्रोटेक्शन देख रहे हो ना, ये जैसे बैक से ले लो और फ्रंट में भी ले लो, जो सारी प्रोटेक्शन है, तो ये भाई कंपनी की तरफ से आई है, मतलब जो अपना एक्सेसरीज वगैरह में आती है वैसे, बट उन्होंने इसी जो प्राइस रेंज में ये पड़ी है उसी के अंदर एडजस्ट करके दिया है पूरा प्रॉपर। और इसकी भाई बात करेंगे प्राइसिंग की, वो बताऊंगा भाई वीडियो में, कहीं पर भी बता दूँ तो वीडियो भाई मेक श्योर पूरी देख लेना। और बैक से अपनी इस तरीके से रहने वाली है भाई पूरी स्कूटी, अपना पेट्रोल का भाई यहाँ से ओपन हो जाता है, और ये E20 वही पेट्रोल वाला सिस्टम है, एक बार ऑन करके और दिखा देते भाई। अरे वो वाली ऑन नहीं, मतलब ये सीट खोल के दिखा देते पहले, ये दो भाई सीट अपने वही नॉर्मल स्पेस है भाई, नॉर्मल सा हेलमेट आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। और जो प्लस अपनी जितनी भी एक्सेसरीज हैं, मतलब जो अपने पार्ट्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, पहले उसमें आते थे मतलब किट के अंदर आते थे, जैसे फर्स्ट एड किट भी आ रही है इसके अंदर, पहले ये भी किट के अंदर आते थे, पर भाई किट ना गिरती रहती थी, ये चीज़ उन्होंने अच्छी कर दी भाई, ये देख सकते हो। बाकी ये नॉर्मल ही है भाई अपनी सीट, पेट्रोल वाला और ओपन कर दो भाई, ये देखो भाई ये अपना पेट्रोल वाला हो गया। और प्लस इसमें एक और पॉजिटिव है, पहले उतरना पड़ता था, तो भाई बैठे बैठे तेल डलवा लो इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पानी जाने की कोई इशू नहीं आता है ना भाई,
हाँ पानी जाने का भी कोई इशू नहीं। तो भाई ये दोनों चीज कर दी, अब इसको एक स्टार्ट करके और इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं। और इसके अंदर एक और फीचर बता देता हूँ, जैसे कि स्टैंड लगा हुआ है, जो पिछली 6G हमने कवर करी थी उसके अंदर स्टैंड वाला ऐसा कोई सीन नहीं था। इसके अंदर स्टैंड हटाएंगे जब ये ऑन होगी। अब ये भाई ऑन हो चुकी है, अपनी आराम से देख सकते हो, और स्टैंड लगा देंगे तो बंद हो जाएगी, है ना। ये देख लो भाई अपनी बंद हो गई है। बाकी तो भाई मीटर के अंदर भी अपना शो कर रहा है, जैसे स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड हटाओगे तभी स्टार्ट होगी। तो भाई अच्छा फीचर है वैसे, और प्रैक्टिकल भी है। तो भाई ये सारे तो रहने वाले हैं भाई, इसके स्पेसिफिकेशन पूरी कंप्लीट कर दी, अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो वीडियो में बता देना। प्लस एक और आपको ओनर से मिलवाते हैं, फिर इसके पूरा रिस्पांस चेक कराएंगे। तो भाई पहले सबसे पहले तो कैसे हो भाई? तो ये भाई कितने की लिया आपने पहले तो ये बताओ आप। 1,02,000 की पड़ी थी। और इससे जो ऊपर वाला कंसीडर क्यों नहीं करा भाई, जो आप बता रहे थे वेरिएंट? प्रैक्टिकल नहीं है भाई, रिमोट की आती है। मान लो स्टार्ट रहेगी ना, तो रिमोट घर के अंदर है, तुम्हारी गाड़ी कहीं भी चली जाएगी, दिल्ली तक भाई चली जाएगी। तो भाई हाँ वो चीज प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसलिए जो डीलरशिप वाले थे उन्होंने मना कर दिया, वो मतलब प्रैक्टिकल फीचर है ही नहीं आपके। चलो भाई ये चीज तो इसकी रह गई। अब भाई इसका एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव या जितने भी आपको लगते हैं वो बता दो भाई। पिकअप बढ़िया है, नेगेटिव खाली एक दो चीज लगी है, जैसे अभी हैंडल थोड़ा इसका टाइट लगता है, लेकिन वो कह रहा है सर्विस में वो नया नया ना भाई, इसलिए लगता होगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सीट का खुलने का क्या चीज? सीट का जैसे क्या है ना, इसको दबा के ना सीट अपने हाथ से उठानी पड़ेगी, मतलब जैसे सीट का बटन दबाओगे तो लॉक मतलब कट नहीं, मतलब एकदम से नहीं उठता। जैसे क्या है सीट को दबा रखा है ना, हाँ तो ये खुलेगी नहीं। अच्छा भाई दबा के उठानी पड़ती है, मान लो किसी के हाथ में एक सामान हो, हाँ तो वो पहले सामान रखो उसे खोलनी पड़ती है। तो भाई ये नेगेटिव रहने वाला है इसका। स्टार्टिंग वाली थी तो सब ओके था, दबा के खुल जाती थी, अब पता नहीं क्या दिक्कत आ गई ये सर्विस। तो भाई ये रहने वाला है इसका नेगेटिव। और हैंडल वाला तो भाई कोई वो नहीं है, क्योंकि नई स्कूटी है तो धीरे धीरे अभी यूज होगी तो हो जाएगा। बाकी ये इसका नेगेटिव रहना है। और बहुत से भाई बोलेंगे भाई ये कवर लगा रखे इसकी वजह से, तो एक कवर से पहले भी दिक्कत थी वाली, तो ये भाई ये दिक्कत इसके अंदर रहने वाली है। बाकी कंपनी वंपनी में दिखाओगे तो क्या पता सॉल्व भी कर दे कुछ हो तो। अब पहली सर्विस होगी तो उसमें देखते क्या होता है, अभी तक पहली सर्विस भी नहीं इसकी। तो भाई ये सारी रहने वाली है। माइलेज क्या दे रही है भाई? कमी दे रही है। चलाई कितने दिन हो गए इसको? कितने दिन कितने हो गए इसको पहले बताओ? 15 दिन हो गए। तो भाई ये देख लो माइलेज 40 की दे रही है, अभी 40 की शो कर रही है, तो 40 की ही दे रही होगी, और कितनी देगी ज्यादा? कोई नहीं भाई, चलो ये था भाई पूरा रिस्पॉन्स, ओनर से भी जान लिया भाई पॉजिटिव नेगेटिव। और ब्रेकिंग अच्छी है भाई इसकी, जो मेरे को हाँ ब्रेकिंग अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर डिस्क ब्रेक आती है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं अभी आया था तो मंगोलपुर से आया था, तो ना वहाँ गाय बहुत सारी है, तो स्पीड मेरी थी 50 आसपास थी, एकदम सही ब्रेकिंग एक नंबर के A1 है, किसी स्पीड भी देखे। हाँ भाई डिस्क का फायदा तो रहता ही है भाई, जितने पैसे लगाओगे उतनी अच्छी चीजें मिलेंगी। बट ये चीज अच्छी है भाई, ऐसे किसी को कंसीडर करनी है ना स्कूटी लेने जा रहा है, और जैसे 5-10 हज़ार महंगी है भाई नॉर्मल वाली से यार, तो 10 हज़ार बंदा जब ले ही रहा है 90 की, तो 1,00,000 रुपए। हाँ फीचर भी आ रहे हैं, प्लस ग्राउंड क्लियरेंस हो गया उससे बड़ा हो गया, और मीटर अच्छा हो गया, लुक अच्छी हो गई, सारी चीज़ें भाई बढ़िया हो गई। तो भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, वीडियो शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा भाई प्यार दिखाना वीडियो के अंदर। और ये भाई फ्रंट कैमरे से शूट नहीं कर रहा मैं, इस बार बैक करके कर रहा हूँ, तो थोड़ा बता देना भाई एंगल वेंगल अगर ख़राब है तो भाई थोड़ा इम्प्रूव करूँगा, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ चीज़ रह गई तो वीडियो में बता देना, कमेंट में बता देना।